यूपी की सियासत में चाचा भतीजे पर सबकी नजर है और कई सवाल भी हैं कि क्या चाचा भतीजा यानी अखिलेश और शिवपाल यादव साथ आएंगे, बीजेपी का बैंड बजाएंगे या एक दूसरे से रुसवा रहकर दूसरे का काम बनाएंगे। तो इंडिया टुडे के कार्यक्रम में हमने चाचा शिवपाल से पूछा कि क्या वो अखिलेश को आशीर्वाद देंगे, तो सुनिए उनका क्या कहना था। आपने चाचा शब्द कहा है तो चाचा शब्द में आत्मीय है, तो देखिए कौन नहीं चाहेगा आशीर्वाद देना, कौन नहीं चाहेगा। लेकिन मैंने कई बार समय मांगा लेकिन अभी तक समय नहीं मिला है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सब लोग जितने भी समान विचारधारा के लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, एक मंच पे आए और एक मंच पे आकर के ये जो 2022 का चुनाव आ रहा है। तो भाई चाचा की नाराजगी है कि भतीजा अखिलेश तो वक्त ही नहीं देता है, इस पर हमने अखिलेश से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। उनका दल है, दल हमारे साथ आ रहा है, इसलिए भी नाराजगी हो सकती है, लेकिन फोन पे बात हो जाएगी। तो भाई भतीजा रूठा रूठा है कि चाचा तो वो योगी जी की तारीफ करते हैं। अब कैसे चाचा शिवपाल ने सीएम योगी की तारीफ की थी, जरा वो भी सुन लीजिए। योगी जी ईमानदार है, मेहनती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की नौकरशाही उनके कब्जे में नहीं है। अब भला कोई ऐसे विरोधी की तारीफ करता है क्या, है नहीं तो, वो भी तब जब चचा के हर बात पर भतीजे के कान हो। अब क्या दोनों साथ आएंगे, गठबंधन बनाएंगे, इस पर चाचा भतीजे ने क्या कहा वो सुनिए। मेरी पहली तो प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, पहली प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, मेरी तो पहली प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, उसके बाद अन्य पार्टियां भी हैं, कांग्रेस भी है, अन्य पार्टियां भी हैं, बसपा भी है, बड़ी पार्टियां हैं। तो अगर प्राथमिकता है अगर समाजवादी पार्टी से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम किसी बड़ी पार्टी एक पार्टी से जरूर समझौता करके 2022 का चुनाव लड़ेंगे। इस बार किसान मजदूर नौजवान तैयार है सरकार को हटाने के लिए। सरकार भूल जाएगी कि नौजवानों को कितनी लाठी मारी है, यहाँ पर अपमानित किया है, कितनी नौकरियां हैं जो दे सकते थे। तो भाई आना तो दोनों साथ में चाहते हैं लेकिन शर्तें वादों के साथ। खैर अगर ये साथ आ गए तो विरोधियों की खैर नहीं। हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इटावा में यादव परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव ने अघोषित रूप से तालमेल कर लिया था। बीजेपी ने सपा के गढ़ इटावा जिले के सभी 24 जिला पंचायत सदस्य की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। सांसद से लेकर विधायक तक ने यहां पर प्रचार किया था और पूरा जोर लगाया था, लेकिन शिवपाल अखिलेश के गठजोड़ के चलते बीजेपी यहां महज एक ही सीट जीत सकी। सपा ने 9, प्रसपा यानी शिवपाल यादव की पार्टी ने 8, एक बसपा और एक बीजेपी, जबकि 5 निर्दलीय जीते थे। तो देखिए 2016 में टूटा ये रिश्ता क्या सियासत के बहाने फिर से जुड़ता है, क्या 2022 में अखिलेश यादव की जीत होती है चाचा के सहारे। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।